मैं जो कह रहा हूँ 100% सही कह रहा हूँ। हमसे लड़की को छुड़ाकर लेके जाने वाला वही है। अरे रे, वही आज सर उठा के हमारे खिलाफ खड़ा हुआ है, कल आके हमारे सर पे पैर रख देगा और अब हमें पाताल में भेज देगा। सुनो, तुम्हारे पास इतना ज्यादा पावर है तो उसकी ताकत को तोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? पावर से शिकार करो। मैं शिकार करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कोई गिद्ध या शेर नहीं हूँ। कानूनी दांव पेच वाला इंसान वो क्षेत्रपाल है। कौन थे वो लोग? मुझे कुछ भी पता नहीं डैडी। चुप रहो, ऐसे ही छोड़ देंगे तो आगे भी खतरा हो सकता है। मैं पुलिस को बुलाता हूँ। डैडी, आप पुलिस को क्यों बुला रहे हैं? इसलिए कि दोबारा ऐसा ना हो। ओह कम ऑन, यू नो जब वो मुझे किडनैप करके ले जा रहे थे तो मैं सचमुच डर गई थी। आई वाज सो स्केयर्ड। लेकिन शिवा हीरो की तरह आया और जीप से मुझे लेकर गया तो मेरा सारा डर निकल गया। कौन है वो हीरो? एक लड़की जब किसी को हीरो कहती है तो वो कौन हो सकता है? आजकल की लड़कियां किसी को क्या बुला रही हैं, क्यों बुला रही हैं, ये कुछ भी समझ में नहीं आता। उसके साथ में जो रहता है वो उसका बॉयफ्रेंड है या हस्बैंड, समझ में नहीं आता। यू आर राइट, मेरे बारे में तीसरा वाला ठीक है, होने वाला पति। इस आदमी को कहीं देखा है क्या? नहीं भाई। 2 साल से लापता है ये, ठीक से देख कर बताओ भाई। मुझे नहीं मालूम। किधर चलना सर? सदाशिव नगर। एक्सक्यूज मी, कमिश्नर कहाँ है? उनका ऑपरेशन चल रहा है। उन्हें एडमिट किसने किया? कोई शिवा है, वो वहाँ बैठा है। थैंक यू। शिवा नाम आप ही का है ना? जी हाँ। कहाँ से आ रहे थे? इधर आने का मकसद क्या है? किससे मिलने आए थे? उनका पता क्या है? जल्दी बताओ। सर, मैं हुबली का हूँ। इधर मेरी पहचान की ऐश्वर्या रहती है, उसको देखने के लिए मैं यहाँ आया था। शिवा, तुमने अभी लाकर जिन्हें एडमिट किया है उन पर हमला कहाँ पर हुआ? मैं रेलवे स्टेशन से आ रहा था तो रास्ते में गुंडों ने उन पर हमला कर दिया। जब मैंने उन्हें देखा तो मैं उन्हें... तुम यहाँ जिससे मिलने आए हो उसका नाम ऐश्वर्या है, उसका नंबर या एड्रेस है क्या? हाँ। एक्सक्यूज मी, कमिश्नर साहब कहाँ है? मेरा नाम ऐश्वर्या है, कमिश्नर की बेटी हूँ मैं। वो ऐशु, शिवा तुम यहाँ पर? मैडम आप इन्हें जानती हैं? हाँ। रास्ते में गुंडे लोगों ने उन पर हमला कर दिया था, उनको सीरियस हालत में देखकर मैं उन्हें यहाँ लाकर एडमिट कर दिया। वही उनके पिता हैं, लोक आयुक्त कमिश्नर क्षेत्रपाल। ऐशु। हाँ। डॉक्टर अब कैसे हैं कमिश्नर? नथिंग टू वरी, ऑपरेशन करके बुलेट बाहर निकाल दिया है और थोड़ी देर में उन्हें वार्ड में शिफ्ट करेंगे। थैंक गॉड, थैंक यू शिवा, थैंक यू सो मच। डैडी, ये वही है जो आपको बचाकर यहाँ पर ले आए? हाँ। थैंक यू सो मच। बात यह डैडी, मैंने आपको बताया था ना चित्रा के वहाँ शिवा है करके। मेरी बेटी की पसंद बहुत अच्छी है, आशा ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया। मुझे ये रिश्ता मंजूर है, तुम क्या बोलते हो बेटा? इसका मतलब मेरे डिस्चार्ज हो जाने के बाद मुहूर्त फिक्स कर सकते हैं ना? ठीक है।
मैंने अपनी तरफ से सबको इनविटेशन दे दिया है, तुम्हारी तरफ से? मैं जा रही हूँ ना दादी। कल तू शादी करके पराए घर जाने वाली है, इस तरह से काम में देरी करेगी तो वो लोग क्या कहेंगे? आप भी ना, उन लोगों को अपने जैसा बना लूंगी, आ रहे हैं जा रहे हैं कह के नहीं बुलाऊंगी, स्टाइल से कम डा गो डा व्हाट डा कहूंगी मैं। यू नॉटी गर्ल, खोटी बुद्धि। हेलो डैडी, मुझे आपका कार चाहिए। क्यों? मेरी क्लोज फ्रेंड वसुंधरा के घर जाना है। वही ना? यस। वही जो गांव गई और अभी तक लौट के नहीं आई, जिससे तू सब कुछ डिस्कस करती है, वही ना? यस, मुझे उससे जाकर इनविटेशन देना है। तेरे जाने की क्या जरूरत है, किसी के हाथ भिजवा देंगे, अभी तेरी हिफाजत करना बहुत जरूरी है। ऐसा कुछ नहीं होगा, आई वॉन्ट टू गो एंड आई विल। ओके, टेक केयर। अरे क्या कर रहा है तू? ठीक हो जाएगा। अरे मेरा हाथ ठीक रहा है। सीधा कीजिए, मत कीजिए, सीधा कीजिए। अरे मालिक चिल्लाइए नहीं ना, लाइए। अबे हाथ ठीक हो जाएगा। हराम की औलाद, पूरी दुनिया में इस हाथ को कुत्ते की पूंछ की तरह फुकनी में डालने से भी सीधा नहीं हो सकता। अरे क्या तू, इसमें नमक ही नहीं है। दिन में 101 बार तू यही झूठ बोलता रहता है ना। चल उठ, चल उठ। अरे हाथ को सीधा कर रहा था, सीधा कर रहा था मेरे हाथ को। नमस्ते अंकल। अरे ये तो ब्रह्मा से भी नहीं हुआ। हाँ बैठिए। आप कौन है? मैं जानता नहीं। मेरा नाम ऐश्वर्या, वसुंधरा की फ्रेंड हूँ। वो है क्या? वसुंधरा नहीं है, भगवान के दर्शन के लिए हमारे गांव के मंदिर में गई है। बोलिए क्या काम है? वो क्या है कि मेरी शादी है। बहुत खुशी की बात। उससे मिले मुझे 2 साल हो गए। इनविटेशन देने के बहाने मैं उससे मिलने के लिए आई थी। उससे कहिएगा कि आपको भी साथ में लेकर। जरूर। और उसे कह दीजिएगा कि अगर वो नहीं आएगी तो मैं मंगलसूत्र नहीं पहनूंगी। इस आदमी को कहीं देखा है तुमने? नहीं भाई, हमने नहीं देखा। अरे कहाँ ढूंढेंगे उसको, चल चलते हैं। कहाँ चले यार? ए देख देख, वो वसुंधरा है ना। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो। किसे ढूंढ रही हो? किसी को नहीं, वसुंधरा अभी तक नहीं आई। आती होगी। ए ऐशु, देख वसुंधरा आ गई। हाय। शिवा, ये मेरी क्लोज फ्रेंड है वसुंधरा। वसु, दिस इज शिवा। शिव है? हाँ। नो, ये शिव नहीं है, श्री राम है। वसुंधरा तुम गलत कह रही हो, ये वाकई में शिवा है। इम्पॉसिबल। यही श्री राम है। वसुंधरा ये तेरी गलत फहमी है, ये शिवा है। नो नो नो, ही इज श्री राम। वसुंधरा तुझे गलत फहमी हुई है, ये शिवा है, इसके मालिक से पूछ लो। नो no. तुम उसी से पूछो ना, ये शिव है या श्री राम है। तू जिसे काम वाला कह रही हो ना, वो मामूली इंसान नहीं है। इसके घर वाले बहुत अमीर हैं। करोड़ों लोग इसके लिए इंतजार करते रहते हैं। उनकी नजरों में ये भगवान है, रक्षक है। शायद उससे भी कहीं बढ़कर कहीं भी जुल्म होता है तो उसके खिलाफ खड़े होकर इंसाफ और न्याय के लिए लड़ने वाला
सिर्फ एक ही खानदान है, वो खानदान इनका है। चाहिए चाहिए इंसाफ, चाहिए 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 इंसाफ, चाहिए 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 इंसाफ, चाहिए 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 इंसाफ, चाहिए। मतलब तू एक शुगर फैक्ट्री का मजदूर है, तभी तो तेरी लड़की बार बार यहाँ आती थी, तभी उसके भाई ने तेरी लड़की को धोखे से यहाँ फंसा लिया, यही है ना? जी हाँ सर। पैसे की लालच में इन लोगों ने मेरे भाई को भी फंसाया होगा। ऐसा कहने से पहले थोड़ा तो सोचो सेठ, ऐसा करने की हिम्मत दो वक्त की रोटी जुटाने वाले गरीब लोग नहीं कर सकते। पढ़ाई सबसे बड़ा बाप नहीं है, आजकल पैसा ही सबसे बड़ा बाप है, समझ गए तुम? इसलिए मेरे भाई पर इल्जाम लगाने का कोई ना कोई कारण जरूर रहा होगा ना? आप सही बोल रहे हैं जीजा जी। दो आदमियों के बात के बीच में तीसरे को बिल्कुल बोलना ही नहीं चाहिए, वैसे भी तेरे जैसे बेवकूफ को तो दिखना ही नहीं चाहिए, वैसे भी गुनहगार को छोड़ना भी नहीं चाहिए। देखिए इंस्पेक्टर, अन्याय हुआ है इसकी फरियाद लेकर तुम्हारे दरवाजे पे आए हैं, उन्हें इंसाफ दिलाना ही तुम्हारा फर्ज है। इसका मतलब कोई भी यहां आके कंप्लेंट करेगा तो क्या हम मान जाएंगे? क्या जानते हो कौन है ये? ये शुगर फैक्ट्री के ऑनर हैं, इन्हीं की वजह से सैकड़ों लोगों का पेट पलता है यहाँ। जो हो रहा है इसके जिम्मेदार यही लोग हैं, ये उनका छोटा भाई है। देखो इसके लिए अब एक ही रास्ता है, शादी। वो करा देंगे तो इज्जत बच जाएगी, नहीं तो बदनाम होकर इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। इसके साथ थू, मेरे घर को कचरे का डब्बा समझा है क्या? गांव का सारा कचरा भरने के लिए हमारे पास इतना पैसा और हमारी जात क्या है? तुम्हारे जिस्म से पसीना नहीं छूटने वाली जात, ये लोगों की आंखों से आंसू बहाओगे क्या? देखो सत्या, हम दोनों एक ही धर्म के हैं, चार पैसे इनके मुंह पर फेंक कर इनको यहाँ से जाने के लिए कहो। जीजा जी वो सही बोल रहे हैं, ये जो दे रहे हैं वो हम लोग लेके आधा आधा कर लेंगे। चुप कर। अगर इसके बाद एक भी शब्द बोला तो उसका घर बसाने से पहले तेरी समाधि बना दूंगा। इंस्पेक्टर तुम्हारा आखिरी फैसला क्या है, उसको हथकड़ी पहना रहे हो या फिर हार पहना रहे हो? सॉरी सर, बिना सबूत के मैं कोई भी एक्शन नहीं ले सकता। उम्र में बुजुर्ग होने के नाते अक्ल की बात कर रहा हूं, समझ में आए तो ले लेना, नहीं तो तुम समझना।